प्यारे गुरु साध संगत जी, प्यार से कहिएगा धन निरंकार जी। साध संगत जी, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आइए जानते हैं उदारता के बारे में। एक बार संत तुकाराम जी अपने खेत में खेती काट रहे थे गन्ने की। काटने के बाद वह गट्ठर बनाते हैं। अब जैसे वह अपने घर की तरफ लेके चलते हैं गट्ठर को, तो वह वहाँ पे जो बालक थे उन सबको पता था कि संत तुकाराम जी बहुत उदारवादी, बहुत ही विनम्र स्वभाव के और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो उनकी इस बात को लेकर बच्चे लोग फायदा उठा रहे थे और उनसे गन्ना मांगे। तो संत तुकाराम जी हर बालक को एक एक गन्ना देते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे अपने घर पे पहुँचते हैं तो उनके हाथ में एक ही गन्ना रह जाता है। जैसे घर में घुसते हैं, उनकी धर्मपत्नी देखती है कि इनका जो गट्ठर था गन्ने का वो तो कुछ है ही नहीं, उनके पास सिंगल गन्ना है। तो अब वह गन्ने को देख बहुत क्रोधित होती हैं। क्रोध में आके गन्ना जोर से खींच के फेंक देती हैं संत तुकाराम के ऊपर। अब संत तुकाराम के ऊपर जब जैसे गन्ना पड़ता है, गन्ना दो टुकड़े में डिवाइड हो जाता है और संत तुकाराम को बहुत बड़ी चोट लगती है। लेकिन संत तुकाराम जी वह किसी को कष्ट न देने की उनकी जो प्रवृत्ति थी, उसके वजह से वह जरा सा भी कुछ नहीं अपनी पत्नी को, धर्म पत्नी को कुछ बोले और कहने लगे कि तुमने तो एक काम आसान कह दिया, नहीं तो मुझे मेहनत करना पड़ता था इस गन्ने को तोड़ने के लिए। अच्छा, एक गन्ना तुम ले लो, एक गन्ना मैं ले लेता हूँ, अब दोनों गन्ना खा लेते हैं। तब उनकी पत्नी जब देखती है कि उनके जो धर्मपति हैं उन्होंने तो ज़रा सा भी गुस्सा नहीं किया और उल्टा उन्हें शाबाशी दे रहे हैं, उसे बहुत पछतावा होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। वह फिर माफ़ी मांगती है संत तुकाराम जी से और संत तुकाराम जी उनसे माफ़ कर देते हैं। सरल स्वभाव के संत तुकाराम जी विनम्र और उदारवादी होने के कारण उसे माफ़ कर देते हैं। सत्संग जी, हम भी एक उदारवादी और विनम्र स्वभाव होना चाहिए। जैसे कि हम किसी की सेवा करें और उसके प्रति हमें कुछ कभी कुछ ना मांगे और निस्वार्थ सेवा भाव करें। साध संगत जी, इससे प्रभु हमारे ऊपर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जो परमपिता परमेश्वर हमें ऊपर से देखता है तो हमेशा हमारे ऊपर प्रसन्नता बरसाते रहता है। साध संगत जी, हमें भी सरल स्वभाव का और विनम्र स्वभाव का होना चाहिए, क्योंकि क्रोध है एक क्षण के लिए आता है, आग के समान जल के और बूत जाता है। अगर हम उसी समय अगर उस क्रोध को काबू नहीं कर पाते तो घटना, छोटी सी घटना बड़े घटना में बढ़ सकती है। साध संगत जी, मैं आशा करता हूँ कि यह आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो पूरे श्रद्धा भाव से कहिएगा धन निरंकार जी।